गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है ऑथेंटिकेशन एरर आकर, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में बताऊंगा। दरअसल जब मैं भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी वाईफाई में, तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, ऑथेंटिकेशन एरर आकर वाली प्रॉब्लम को, तो आज की वीडियो में ये सब बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बेरोजगार इंजीनियर को सब्सक्राइब करें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और जो स्टेप्स बताऊंगा उनको वन बाय फॉलो करें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है यहाँ पे आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखेगा अबाउट फ़ोन का, तो अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपडेट का ऑप्शन देखेगा, तो एक बार आपने डिवाइस को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। कभी कभी कुछ ग्लिच आ जाते हैं आपके एंड्रॉयड का वर्जन अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद एक बार एयरप्लेन मोड को ऑन करना है, फिर ऑफ़ कर देना। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो एक लास्ट में जो ट्रिक है उससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें अपना प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर अपने ऐप को सर्च कर लेना है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसको सर्च करने के बाद यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। अगर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा तो अपडेट कर लीजिएगा। अगर बाय चांस अपडेट का ऑप्शन ना दिखे तो एक बार अनइंस्टॉल कर लेना अपने ऐप को और उसको फिर से इंस्टॉल करना है, जैसे यहाँ पे मैं करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी डिवाइस की सेटिंग पे आ जाना है। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे फिर आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन होंगे, तो सिंपली सेटिंग पे क्लिक करते हैं और सेटिंग को ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग को ओपन करता हूँ तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का, तो सिंपल क्लिक कर देना है कनेक्शन एंड शेयरिंग पे। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है इस पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का, इस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट सेटिंग का, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है यहाँ से। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये कुछ टाइम लेगा रीसेट होने के लिए, तो आपको वेट करना है और इसको रीसेट होने देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हमें यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ से मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, तो ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थ्री डॉट्स देखेंगे हमें, सॉरी पहले मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें थ्री डॉट्स देखेंगे और इन पे क्लिक करना है। और इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस कर देना है और आपकी सारी प्रॉब्लम